नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गवाह। इंडेक्स व्यू 30 दिसंबर 2022। वेल, सबसे पहले वही अनाउंसमेंट कि एक ट्रेडर को मैं रोज 50% डिस्काउंट देता हूं इंडेक्स सर्विस पर। उसका कूपन कोड है कैपिटल लेटर्स में 1 ONE 1 कैपिटल लेटर्स में। इसके जो पेमेंट लिंक है डिस्क्रिप्शन, लेकिन एक ही कोड देता हूं, इसलिए आप देख लीजिए। आप लकी हैं तो आप ले लीजिए फर्स्ट, अगर आज नहीं मिला तो कल कीजिए। एनीवे, अब देखिए निफ्टी में गैप डाउन खुला, फिर एक अप मूव मिला। आज एक्सपायरी था, ये जो अप मूव मिला ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, क्लियर कट नज़र आता है। जो शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हो गए और ऊपर चला गया, इनको ट्रैप किया और ऊपर बंद हुआ। लेकिन जहाँ पर बंद हुआ है बस वहीं पर तो रेसिस्टेंस है, देख लीजिएगा। कल है 2023 का फर्स्ट डे, क्योंकि आज एक्सपायरी था, साल का लास्ट एंड डे है, लेकिन ये एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में आएगा, ट्रेडिंग जो नेक्स्ट वीक में आएगा। अब क्या हो सकता है, क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है 18,400? यस पॉसिबल है, 18,400 भी पॉसिबल है, जहाँ पर रेसिस्टेंस है यहाँ देखेंगे तो 18,400 पॉसिबल है, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम है ना, छुट्टी है, फंड मैनेजर छुट्टी पे, कहाँ ऊपर जाएगा, हो सकता है ऊपर चला जाए। लेकिन मैं कहूँगा 18,150 में सपोर्ट है, सपोर्ट नीचे 18,000 के आसपास है, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। जब तक हम 18,000 के ऊपर है तब तक सब ठीक है, पर 18,000 बीच हो जाता है तो लोअर लेवल देखेंगे। तो हमको ध्यान देना है सिर्फ 18,000 जोन और कुछ नहीं, बाय करना है, ऊपर जा सकता है 18,400 अगर अच्छा आपको मिला तो, लेकिन मुझे वॉल्यूम्स कम लगते हैं, फ्राइडे है, 31st है, कुछ लगता नहीं मुझे। लेकिन रेसिस्टेंस 18,400 पे है, अगर गैप अप खुलता है तो पॉसिबल है कि नीचे डिप मिलेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और गैप अप मिलेगा कब, जब देखेंगे डाओ को देखेंगे या SGX देखेंगे, उसके हिसाब से होगा। निफ्टी बैंक का क्या हाल है, निफ्टी बैंक में भी ये शॉर्ट ट्रैप्स हुए, गैप डाउन खुला, शॉर्ट ट्रैप्स हुए, 43,500 पे जहाँ बंद हुआ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और वहीं पर बंद हुआ है। अब क्या लगता है, अब लगता है 43,000 में सपोर्ट है और ब्रीच करेगा 42,500 तो फिर लोअर लेवल देखेंगे, अगर ऊपर जाता है तो 44,000 में रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर ट्रेड करना है तो 43,500 के नीचे खुलता है और ब्रेकआउट मिलता है 43,500 से ऊपर, तब जाके 44,000 मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो पॉसिबल है कि थोड़ा नीचे गिरावट आए बस, तो कल ट्रैप डे हो सकता है, गैप अप खुल के ट्रैप डे हो सकता है। हाँ, अगर लोअर लेवल में 43,000 के आसपास खुलता है तो पॉसिबल है कि 43,500 जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिलहाल तो यह रियल ट्रैप जोन है बिटवीन 42,500 और 43,500 में, ये असली ट्रैप जोन है, इसमें ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, मैं मार्क कर लेता हूँ, इस जोन पे ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बस इतना ध्यान दीजिए, मार्क कीजिए पॉइंट्स, प्लान कीजिए अपना ट्रेड, तब जाके मुनाफा बनेगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। इसलिए एक बात ध्यान दीजिए, भाव भगवान है और कुछ नहीं, भाव को देखिए और ट्रेड कीजिए और कुछ नहीं देखिए।